नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ रजा सिंह। आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। नवरात्रि भारत में सबसे शुभ और मनाए जाने वाला हिंदू त्योहारों में से एक है। ये 9 दिनों का एक त्योहार है जो माँ की शक्ति स्वरूप की आराधना करते हुए मनाया जाता है। पूरे भारत में नवरात्रि का पहला दिन बड़े उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार आज शारदीय नवरात्रि का पहला दिन है। इस दिन माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है। इस दौरान सर्वप्रथम घट स्थापना की जाती है और फिर माँ दुर्गा का आह्वान, स्थापन और प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, जिसके बाद माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। तो चलिए आपको बताते हैं कैसा है माँ का पहला स्वरूप और कैसे माँ को किया जाता है प्रसन्न। या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्रि के प्रथम दिन भक्त 9 विग्रह रूपों में माता के पहले स्वरूप शैलपुत्री की उपासना करते हैं। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण उनका नाम शैलपुत्री पड़ा। सती स्वरूप द्वारा यज्ञ अग्नि में स्वयं को भस्म करने के पश्चात उन्होंने पर्वतराज हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में जन्म लिया। उनका ये स्वरूप लावण्यमयी एवं अति रूपवान है। माता के एक हाथ में त्रिशूल तथा दूसरे में कमल का फूल सुशोभित होता है। उनका वाहन वृषभ अर्थात बैल है। भगवान शंकर की भांति वे भी पर्वतों पर निवास करती हैं। प्रत्येक प्राणी में उनका स्थान नाभि चक्र से नीचे स्थित मूलाधार चक्र में है। यही वो स्थान है जहां उनकी शक्ति कुंडलिनी के रूप में विराजमान रहती है। नवरात्रि के पहले दिन इनकी उपासना में योगी एवं साधक अपने मन को मूलाधार चक्र में स्थित करते हैं, क्योंकि इस स्थान से योग साधना का प्रारंभ होता है। माता शैलपुत्री अपने साधकों को साधना में लीन होने की शक्ति, साहस एवं बल प्रदान करती हैं, साथ ही आरोग्य होने का वरदान भी देती हैं। नवरात्रि के पहले दिन जो भक्त सच्ची भक्ति उपासना द्वारा उनके स्वरूप को जागृत करता है, माता उसका निसंदेह कल्याण करती हैं। कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया था, जिसमें सभी देवी देवताओं को निमंत्रण दिया गया, लेकिन सती को आमंत्रित नहीं किया गया था। लेकिन सती बिना बुलाए ही यज्ञ में जाने को तैयार थी। भगवान शिव ने उन्हें समझाया कि ऐसे बिना बुलाए जाना सही नहीं है, लेकिन सती नहीं मानी। ऐसे में सती की इज्जत के आगे भगवान शिव ने उन्हें जाने की इजाजत दे दी। सती के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया गया। वहां सती से माता के अलावा किसी ने सही से बात भी नहीं की। ऐसा कठोर व्यवहार और पति का अपमान सती बर्दाश्त नहीं कर पाई और क्रोधित होकर उन्होंने खुद को यज्ञ में भस्म कर दिया। शास्त्रों के अनुसार अगले जन्म में सती ने हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया और इनका नाम शैलपुत्री रखा गया। कहा जाता है कि नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा करना बहुत लाभकारी होता है। माता शैलपुत्री के आशीर्वाद से विचारों में गंभीरता आती है और हर तरह की बीमारी दूर होती है। दीर्घ आयु का आशीर्वाद मिलता है और साधक में आत्मविश्वास की जागृति भी होती है। आज माँ शैलपुत्री को दूध से बनी मिठाई का भोग जरूर लगाएं। इसके अलावा आप गाय के घी का भी भोग लगा सकते हैं। माता को सफेद एवं लाल रंग की वस्तुएं बेहद पसंद हैं, इसलिए नवरात्रि के पहले दिन उनके इस स्वरूप के समक्ष सफेद या लाल रंग के पुष्प अर्पित कर लाल सिंदूर लगाएं। गाय के दूध से बने पकवान एवं मिष्ठान का भोग लगाने से माता भक्तों से प्रसन्न होकर उनकी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। साथ ही भक्तों के घर की दरिद्रता को दूर करके उनके परिवार के सभी सदस्यों को रोग मुक्त कर देती हैं। भक्त को संशय रहित होकर माता का पूजन करना चाहिए। कहा जाता है कि माँ शैलपुत्री की पूजा करने से सभी कष्ट दूर होते हैं। सुख समृद्धि, धन धान्य और यश की प्राप्ति होती है और मानसिक शांति मिलती है। उम्मीद है कि माँ का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहेगा। जय माता दी।